उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मुश्किलें भरे दौर के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान हेट स्पीच मामले में दोष मुक्त करार दिए गए। रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल कैद की सजा को खारिज कर दिया। बता दें कि इस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, इसी की वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी, वहीं आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था। इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि हमने अपील की थी, हमें झूठा फंसाया गया, यहाँ हमारी बात मान ली गई है और ये अपील हमारे फेवर में गई है। सुनिए आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने क्या कुछ कहा। आज न्यायालय ने माननीय अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज एमपीएमए कोर्ट ने आजम खान साहब को 185/2019 क्राइम नंबर के मुकदमे में निचली अदालत से उनकी सजा का फैसला था वो सेटिसाइड कर दिया है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। हेट स्पीच का मामला है, बड़ा चर्चित मामला है। हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसमें 153A, 125A, 505 की धारा लगाई गई थी और उसमें उनका कन्विक्शन किया गया था। सेशंस कोर्ट ने फैसले को गलत मानते हुए और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया और त्रुटि फैसले में मानते हुए भाई सब ये एक लीगल क्वेश्चन है, लेकिन ये बात ज़रूर एक अहम है कि जिस केस की कन्विक्शन की वजह से आजम खान साहब की सदस्यता गई उस केस में वो बरी है। लीगल चीज़ें अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये देखने वाली बात है। बहरहाल अब जब इस मामले में आजम खान बरी हो गए हैं तो कानूनी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें अपनी विधायकी वापस मिल पाएगी। फिलहाल इस बारे में किसी पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है। आजम खान के समर्थक और समाजवादी पार्टी के नेता इस राहत को न्याय की जीत बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से आजम खान और उनके परिवार को जानबूझकर कानूनी मामलों में उलझाया जा रहा है। इस फैसले के बाद आजम खान समर्थकों ने कहा कि आखिरकार न्यायालय में इंसाफ मिला है। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।